सुप्रभात बच्चों, मैं सोन श्रीवास्तव। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की पाठ 7 हिंदी महात्मा बुद्ध। देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया, क्या बताया गया इसमें, प्राचीन काल की बात है। हिमालय पर्वत की तराई में शाक्य जाति का एक गणराज्य था। उसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। वहाँ का राजा शुद्धोधन बड़ा न्यायपीर और धर्मात्मा था। उसकी पत्नी महामाया भी धार्मिक विचारों वाली पतिव्रता स्त्री थी। महारानी के गर्भ से 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बचपन में उनके माता पिता ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा। पुत्र के जन्म पर राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा ज्योतिषी ने बालक की कुंडली देखकर कहा, राजन, आपका यह बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर महान सन्यासी। उस भविष्यवाणी को सुनकर राजा रानी चिंतित हो उठे। वे हर समय उस पर नजर रखने लगे। घर पर ही बालक की पढ़ाई लिखाई और शास्त्र विद्या सिखाने का प्रबंध किया गया। साथ के समय के साथ बालक सिद्धार्थ युवा हो गया। वह प्रायः एकांत में बैठा रहता था। एक बार उसके चचेरे भाई ने एक हंस को बाड़ मारकर घायल कर दिया। सिद्धार्थ ने तत्काल उस घायल हंस की देखभाल की और उसे ठीक कर दिया। एक बार जब सिद्धार्थ घूमने जा रहा था तो रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े बीमार और एक मृत व्यक्ति को देखा। उन्होंने किसको देखा था? एक बीमार व्यक्ति को और एक मृत व्यक्ति को। उसे देखकर सिद्धार्थ संसार के प्रलोभनों से वैराग्य हो गए। एक दिन चुपचाप वह जीवन के सत्य की तलाश में घर से निकल पड़ा। उसने राज्य मोह का त्याग कर दिया। गया नामक स्थान पर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने क्या किया? कठोर तप किया। तपस्या के बाद वहीं पर उन्हें एक दिन सत्य का ज्ञान हुआ। तभी वे महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। जब उन्होंने तपस्या किया था तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब से वो महात्मा कहलाने लगे और उस स्थान का नाम बोधगया पड़ गया। ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। लोग उनके शिष्य बनते चले गए। देश के बाहर उन्हें चीन, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, म्यांमार, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों का भ्रमण किया और लोगों को अपने उपदेश दिए। उन्होंने लोगों को अहिंसा, जाति पाति का विरोध करने, मानवता के प्रति प्रेम और पाखंड का विरोध करने के लिए कहा। उनका यश सर्वत्र फैल गया। वे भगवान की तरफ पूजे जाने लगे। 80 वर्ष की आयु में ईसा के जन्म 483 वर्ष पूर्व उनका देहावसान हो गया, परंतु उन्हें आज भी भगवान की तरह पूजा जाता है।